सब्सक्राइब कीजिए एचटी फिल्म चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटी फिल्म्स में। तो दोस्तों, आज है 11 फरवरी और आज मैं आया हूँ रामनगरिया मेले में। और ये जो वीडियो रहेगा ये फुल रामनगरिया का वीडियो रहेगा, मतलब पूरा वॉक अराउंड मैं आपको दूंगा रामनगरिया मेले में क्या क्या है। और अभी मैं खड़ा हूँ ये मेन ब्रिज पे और ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये सभी भक्तगणों के लिए है क्योंकि यहाँ लोग गंगा जी स्नान करने आते हैं और माह के पूरे एक महीने तक अपनी हट लगा के रहते हैं, मतलब झोपड़ी लगा के रहते हैं। यहीं पे रहना, खाना, सोना और गंगा जी की पूजा में बिल्कुल लीन हो जाना। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इस बार एक नया पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बनाया गया है जो उधर पुराने घाट से और इधर आने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आराम से लोग आ जाते हैं। वरना या तो लोगों को घूम के आना पड़ता था या फिर बोट के थ्रू आना पड़ता था। और ये देखिए कितना, मतलब हजारों की संख्या में लोग यहाँ झोपड़ी लगा के रहते हैं। और ये बिल्कुल ब्रिज के नीचे का सीन है लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ से लोग सीधा ये गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। और दूसरी तरफ ये जब हम लोग फरुखाबाद की तरफ से आएंगे तो राइट हैंड साइड में वो देखिए सामने गंगा जी हैं। और जो ज़्यादातर मेला जो लोग घूमने आ रहे हैं उनका जो फेवरेट पार्ट है वो यही पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि सारे झूले यहीं पे हैं, सर्कस यहीं पे है, मौत का कुआं यहाँ है। मतलब ज़्यादातर लोग इतना आधा पार्ट ही घूम के वापस चले जाते हैं। वो देखिए सामने झूले लगे हुए हैं, सारी चीज़ें, ज़्यादातर लोग इधर घूम के चले जाते हैं। अभी चल रहे हैं हम लोग मेले में और अभी मैं फरुखाबाद की तरफ से आ रहा हूँ तो मैं राइट हैंड साइड में मुड़ूंगा। और ये मेरे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये सारी आलू की दुकानें हैं जो रेत में आलू भून के खिलाते हैं आप लोगों को, ये वो दुकानें हैं। और ये रही पार्किंग जहाँ पर बाइक और फोर व्हीलर का पूरा स्टैंड बना रखा है, आप आराम से अपनी बाइक को। तो आ गए हैं रामनगरिया मेले में। भैया थोड़ी शूटिंग हो जाए, हैं आप करो, आपने करो करो, झूला वगैरह देखा। हाँ चलिए फिर वापसी में आते हैं। फेवरेट, और ये सबका फेवरेट मेरा तो है, आप लोगों का है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ये हम लोग आ चुके हैं, यहाँ सारे झूले लगे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। जिस दिन आया हूँ उस दिन थोड़ा भीड़ कम है, ये देखिए आप झूले बिल्कुल खाली पड़े हैं। और मैं जानबूझ के आया हूँ जिससे मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और सामने देखिए वो है मौत का कुआं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये रही ट्रेन, इस पे बैठ के आप कहीं भी जा सकते हैं, रामनगरिया से कुंभ तक जा सकते हैं, सीरियस मत लेना मेरी बात को, बस बैठ सकते हैं और इसी यहीं पे घूम सकते हैं, इसी जगह में घूमते रहेंगे। और ये सामने है मौत का कुआं, इसका वीडियो आपको मिलेगा। और अपने राहुल भैया ब्लॉग बनाते हुए द किंग, इनका यूट्यूब चैनल है। ये है मौत का कुआं,
इसका वीडियो तो मैं आपको डेडिकेटेड दूंगा, अलग से दूंगा। और ये पुलिस चौकी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब प्रशासन आपके साथ है। आराम से मेला घूमिए। और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए जिस मेले में कुछ नहीं वो तो मेला अधूरा रह जाएगा। फिर और ये है इस बार का जिमी सर्कस, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। और इसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इसे मैं जब भी देखता हूँ मुझे लगता है यार एक कुछ हैवी सा होना चाहिए जिसपे मैं भी यही कर सकूँ। इसे क्या बंजी जंप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मैं कर सकूँ। तो अभी चल रहे हैं हम लोग मौत के कुएं में, और मैंने टिकट ले ली हैं, और 20 रुपीज़ पर हेड की टिकट है। और ये अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से कुछ नज़ारा देखिए आप। और अभी ये डबल फ्लोर है, मतलब नीचे से भी लोग देखते हैं एक, और उसके ऊपर से भी लोग देखते हैं। और ये जो एक मौत के कुएं का वीडियो है, ये एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना था, इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ये मैं दिखा रहा हूँ मौत के कुएं का खेल, क्योंकि ये इसका एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे ऑलरेडी। तो बस जल्दी जल्दी इस मौत के कुएं को ख़त्म कर देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे का मेला। क्या बोल के बताएगा? नमस्कार, आप 94 किलो हैं, 94 किलो हैं, 94 किलो हैं। आप सबकी मदद करते हैं, लोग आपकी मदद करेंगे। नमस्कार। इनका भाई आपका नाम क्या है? क्या नाम भैया आपका? श्याम इनका नाम है। और ये बेटिंग वाली इन्होंने मशीन लगाई है, और वहाँ पे आपकी भविष्यवाणी इसमें बताई जाएगी कि आप कैसे क्या है। ये बहुत बढ़िया सिस्टम आया है और लेटेस्ट सिस्टम आया है, पहली बार यहाँ पे प्रकाश रामनगरिया में आया है। आप अगर रामनगरिया घूमने आते हैं तो इस सिस्टम को जरूर यूज कीजिए, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। कितना क्या पैसा लेते हैं इसका भैया? आप कितना पैसा लेते हैं इसका? 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये लेते हैं। और 5 रुपये में तो नॉर्मल मशीन वाले ही लेते हैं, पर ये तो बढ़िया सब कुछ चल रहा है। और मेले में आते तो अपना वेट भी कर लीजिए आप, बहुत अच्छी बात। कुछ इनकी भी हेल्प होगी। और ये है विकास प्रदर्शनी,
मैं कभी भी इसमें आता नहीं था, ये हर साल लगती है, लेकिन जब इस बार मैं आया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। आप लोग आएँ तो 5-10 मिनट के लिए ज़रूर इसमें आएँ और देखिए। और ये एक वॉशिंग मशीन है कॉम्पैक्ट सी 2000 रुपये की। इसका डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। गोभी देखो, पत्ता गोभी कितनी बड़ी बड़ी है, ये भी देखो। वो क्या, लौकी? लौकी है गोल वाली। पीला तरबूज, देखिए मेन ब्रिज है यहाँ से। अब हम लोग ब्रिज के दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ गंगा जी का स्नान होता है। ये रहा मेन ब्रिज, इसके उधर साइड जब हम लोग जाएंगे तो गंगा जी का स्नान वगैरह सब वहीं होता है। झोपड़ी वगैरह वहीं लगी हुई हैं, तो अभी वहीं जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। हम लोग कहाँ चल रहे हैं भैया? पुल की तरफ हैं, जो नया ब्रिज जो बनाया गया है पैदल वालों के लिए, पेंटून पुल, अब उधर चल रहे हैं। और ये है गंगा जी का किनारा, यहाँ पे लोग गंगा स्नान करते हैं और ये प्रसाद वगैरह यहाँ मिलता है। और वो देखिए सामने लोग गंगा स्नान करते हैं, चलिए उधर ही चल रहे हैं। ये यहाँ पे लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और ये है गंगा जी का किनारा, यहाँ से लोग जल भर के भी अपने घर ले जाते हैं। और ये कुछ पार्टीशन वगैरह इसलिए बनाए गए हैं कि लोग अपना चेंज वगैरह करने में, कपड़े नहाने के बाद आराम से चेंज कर सकें। और ये देखिए इधर प्रसाद बिक रहा है। और ये देखिए लोग स्नान भी कर रहे हैं। देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। और ये सामने मेन ब्रिज है, ब्रिज के दूसरी तरफ झूले वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। और ये देखिए लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। भाई बहुत गुस्से में देख रहा है, उसे लग रहा है हम लोग उसका बिजनेस खराब करने आए हैं। अब चल रहे हैं उधर। और इधर बहुत अच्छी अच्छी बोट्स भी हैं सजी हुई, आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। ये देखिए कितनी सजा रखी है बोट को। और ये लोग आपको गंगा जी की सैर करवाते हैं बोट में, चलेंगे अभी काम तो कर लें जो करने आए हैं। और वो देखिए जो ब्रिज है पैदल चलने वालों के लिए नया बनाया गया है, वो उधर है, वो पेंटून ब्रिज,
क्यों इसका इसका नाम पेंटून ब्रिज रहे ना। हाँ वो देखिए अभी जूम करते हैं, ये देखिए ये ब्रिज है और ये गंगा जी को पार करने में पैदल वालों को काफ़ी हेल्प करता है और इसी की वजह से जो मेन ब्रिज है उस पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं हुआ इस बार। अच्छा ये मोटर वाली है और ये जो बोट है वो मोटर वाली बोट है, देखिए आप मोटर लगी हुई है। कितना 10 रुपए? तो सही है, बहुत कम ही है, बिल्कुल पेट्रोल से चलता है। अच्छा वो चक्कर कहाँ तक होता है फिर वो? अच्छा उधर से उधर। हाँ ये बिल्कुल जैसे हाँ यही थी ना। और ये देखिए साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, जो हम लोग आते हैं और यहाँ पे गंदा करके जाते हैं वो तुरंत उसकी साफ सफाई होती है जिससे जो और लोग आ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये उधर फिर सारी झोपड़ी वगैरह लगा के लोग रहते हैं और उसके उधर बिल्कुल लास्ट में वही दुकानें हैं दोनों तरफ रोड साइड में। और ये देखिए ये गंगा जी को साड़ी पहनाई जा रही है। ये कहाँ तक जाएगी? उधर लास्ट तक। ये फोटो के लिए है, फोटो वगैरह के लिए लगे कि हाँ घोड़े के ऊपर बैठ के फोटो खिंचाई जाती है खड़े होके, बच्चों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। कितने रुपए लेते हैं आप? 20 रुपए। और तुरंत फोटो निकाल के दे देते हैं? दिखाइए एक दो फोटो। नहीं मतलब कंप्लीट फोटो 20 रुपए में है ना? कंप्लीट फोटो 20 रुपए में, सही है। और क्वालिटी ये रहा वो देखिए, ये ब्रिज है वो, ये पूरा इस किनारे से और उस दूसरी तरफ के किनारे तक गया है और वो पुराना उसे घाट बोला जाता है, वहाँ पहले घाट हुआ करता था उस तरफ, तो वहाँ मिला देता है। तो जो पैदल चलने वाले लोग आते थे पहले मेन ब्रिज से आते थे फिर पूरा घूम के यहाँ आते थे या फिर बोट वगैरह के थ्रू इधर आते थे, तो वो चीज़ें स्किप हो चुकी हैं, अब सीधा आप वहाँ से और यहाँ आप आ सकते हो। तो इस पुल पे अभी हम लोग तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि बाइक स्टैंड पे खड़ी हुई है, फिर उधर जाके फिर वापस आना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को दिखा दिया है, चलिए फिर वापस चलते हैं और कुछ अगर और दिखाने लायक होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं जो हट बना के लोग रहते हैं झोपड़ी में एक महीने तक, तो वो कैसे रहते हैं। ये देखिए जो आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, और ये देखिए ये इस तरीके से लोग यहाँ पे एक महीने तक रहते हैं और भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं और अपना यहीं खाना बनाते हैं और ये सब उनका सोने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था। और काफ़ी बड़ी है ये, तो 4-5 लोग रहते होंगे इसमें। और ये देखिए, अच्छा अच्छा जिन्होंने आपके यहाँ पूजा की। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे शंख हैं यहाँ पे, वो बाबा जी खरीद रहे हैं। बाबा जी बजाइए, आपने तो नहीं दिया माता पिताजी
और इनका प्राइस भी लिखा हुआ है, जैसे ये 100 रुपीज़ का है छोटा सा, आप देख सकते हैं इसका साइज। अब ये देखिए बाबा जी बजाएंगे, इसकी आवाज अच्छी है। ये कितने का है? 650 का पड़ेगा, 550। ये वाला जो अभी बाबा जी ने बजाया ये 650 रुपए का है, वो 550 का, थोड़ा सा इससे छोटा है वो, तो अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, ये कितने कितने के भैया? 100 रुपए का, उसमें लिखा हुआ है प्राइस, लिखा हुआ है 100 रुपए का है ये। हाँ, और आना तो जलेबी जरूर खा लेना। अच्छा, ये जनरल स्टोर भी लोगों ने खोल रखे हैं, जो लोग यहाँ रहेंगे तो उनके खाने पीने की चीज़ों के लिए, देखिए जनरल स्टोर्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी राशन पानी एक महीने का घर से तो नहीं लाते होंगे सभी लोग। क्या करते हैं दिखाइए, नाम लिख देते हैं इसमें, 10 रुपए में रिंग भी है और उसपे नाम भी लिख देते हैं। मेले में तो आप बहुत अच्छा, अंगूठी में नाम वगैरह लिखवाइए और बहुत ही सस्ते लो भाई, बढ़िया। अगर मार्केट से आप नॉर्मल भी आपको जो है मूर्तियाँ मिल जाएंगी। भैया कितने रुपए से स्टार्ट है? ये 30 रुपए से स्टार्ट है, 30 रुपए से भैया स्टार्ट है। देखिए 30 रुपए में ये बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन रामनगरिया के मेले में घूमने आया है और कौन कौन आने वाला है। चल रहे हैं वापस स्टैंड की तरफ, बाइक उठाते हैं और निकलते हैं। टैटू बन रहा है यहाँ पे, ये भैया अभी बनवाया आपने? कितने रुपए लिए इस पूरे टैटू के? 200 रुपए, मात्र 200, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सारी डिजाइन्स हैं, जो चाहें आप वो डिज़ाइन बनवा सकते हैं। बस बहुत बढ़िया, 200 रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया। ये परमानेंट होता है या टेम्परेरी होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मोबाइल की बैटरी ड्रेन होने की वजह से मोबाइल ऑफ हो गया और रिकॉर्डिंग यहाँ से आगे नहीं कर पाया मैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिए ST फिल्म चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।